हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, इसके पहले मैं ऊतक क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, एंड ऊतक के प्रकार यानी ऊतक चार प्रकार का होता है, इपिथिलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। इसमें से मैं इपिथिलियल टिश्यू के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उन सब वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में चैनल की देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू जो है एक ऊतक से दूसरे ऊतक और एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिव जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही मालूम पड़ रहा है, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करना, यानी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना, कनेक्टिव टिश्यू का यही कार्य है, यानी सपोर्टिंग प्रदान करना, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये चार प्रकार का होता है, सामान्य संयोजी ऊतक यानी सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, तंतुमय संयोजी ऊतक यानी फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल संयोजी ऊतक यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक फील्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से मैं आज बात करने वाली हूँ सामान्य संयोजी ऊतक, जो चार प्रकार के होते हैं, अंतराली यानी एरियोलर, रोडक यानी पिगमेंटेड, वसामय यानी एडिपोज टिश्यू, गलमय यानी रेटिकुलेट, ठीक है। इसका मैं आज इस वीडियो में वर्णन कर रही हूँ। और तंतुमय संयोजी ऊतक जिसमें श्वेत तंतुमय कंडरा स्नायु है, कंकाल संयोजी ऊतक उपास्थि अस्थि है, और तरल संयोजी ऊतक में रुधिर और लसिका है, इसका वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। चलिए, आज का टॉपिक है सामान्य संयोजी ऊतक अंतराली, वर्णक, वसामय और जाल में, इसका अध्ययन हम करेंगे। और ये एकदम फैक्ट पॉइंट इसमें बताने वाली हूँ जो आपको जानना बहुत आवश्यक है और आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बात करूंगी अंतराली यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है खोखली अंतरंगों और त्वचा के नीचे धमनी और शिराओं की भित्तियों यानी दीवारों पर पाई जाती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाई जाती है? खोखली अंगों में, ठीक है, खोखली अंगों में, त्वचा के नीचे धमनी और शिराओं की भित्तियों पर। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि त्वचा के नीचे और धमनी शिराओं की भित्तियों पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और ये तीन प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। कौन कौन से प्रकार की? पहला है फाइब्रोब्लास्ट, जिस पर लंबी लंबी जो द्रव्य संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ये अनियमित तथा चपटी होती है और इस पर लंबी लंबी जो द्रव्य संरचनाएं होती है जिससे इसकी रचना होती है। और दूसरा है मैक्रोफेज, तीसरा है मस्ट कोशिकाएं, इसमें सबसे प्रमुख है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इसमें दो प्रोटीन तंतु होते हैं जैसे कोलेजन तथा इलास्टिन, ठीक है, ये दो प्रोटीन बनाता है कोलेजन तथा इलास्टिन। एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या है? यह जो है घाव भरने में सहायक होता है। अगर कहीं शरीर में चोट लग जाए तो घाव भरने में, उसको भरने में यह क्या करता है? सहायता करता है। अब बाहरी जहरीली पदार्थों को से यह लड़ने में भी मदद करता है, तो घाव भरने में सहायक करता है और बाहरी जहरीली पदार्थों से यह लड़ने में भी मदद करता है, जिससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। नेक्स्ट है वर्णक यानी पिगमेंटेड, यह जो है त्वचा की डर्मिश में पाया जाता है। त्वचा की डर्मिश यानी त्वचा के कितने भाग होते हैं? बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा यानी एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस जो है बाह्य त्वचा होती है, डर्मिस जो है आंतरिक होती है। तो त्वचा की आंतरिक सतह यानी डर्मिस में वर्णक यानी पिगमेंटेड पाया जाता है, जो रंगीन कणिकाएं होती हैं उसमें, ठीक है, जिसे ये रंगीन दिखाई पड़ते हैं। यानी कि त्वचा के नीचे डर्मिस में रंगीन कणिकाएं होती हैं जिसके कारण वस्तुएं हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। यह कैसे दिखाई देती है? तो यह क्या करता है, जो वर्णक होता है अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश को किसी अन्य रंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रतिबिंबित कर देता है। कैसे करता है?
यह पदार्थ यानी वर्णक जो है अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की किरणों में से कुछ तरंग दैर्ध्य यानी कुछ रंगों को रंगों वाली किरणों को सोख लेता है और बाकी को प्रतिबिंबित कर देता है। ठीक है, जो किरणें प्रतिबिंबित होती है पदार्थ का रंग वही दिखाई देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप सिंदूर और हीमोग्लोबिन जो है नीले और हरे रंग वाली किरणों को क्या करता है सोख लेता है और लाल और नारंगी किरणों को प्रतिबिंबित कर देता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन लाल और सिंदूर नारंगी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रंगीन कणिकाएं किसमें निहित होती है, तो वर्णक यानी पिगमेंटेड में। कहाँ निहित होती है, तो त्वचा की डर्मिस में। ठीक है, वस्तु हमें रंगीन क्यों दिखाई पड़ते हैं, तो वर्णक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है वसामय उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये जो होता है त्वचा के नीचे वृक्क के चारों ओर तथा मेसेंट्री और हड्डी मज्जा में उपस्थित होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वसा को संश्लेषित करता है, संचय करता है और उसका उपापचयन भी करता है तथा वसा को फैटी एसिड के रूप में स्टोर करके रखता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वसा को स्टोर करके कौन रखता है, तो एडिपोज टिश्यू किस रूप में स्टोर करके रखता है, तो फैटी एसिड के रूप में। और यह वृक्क तथा नेत्र गोलक के पास झटकों को रोकने के लिए गद्दा बनाता है। ठीक है, त्वचा के नीचे उष्मारोधी सतह बनाकर शरीर में होने वाली हानि को रोकता है, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी यह कंट्रोल करके रखता है और एक तरफ से वसा जो होता है हमारे बॉडी को लुब्रिकेट्स करके रखता है जिससे हमारी स्किन जो है चमकदार बनी रहती है। नेक्स्ट है जालमय यानी रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रेटिकुलेट का मतलब ये होता है जालमय। ठीक है, तो जालमय यानी रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये लसिका में स्थित होता है। ठीक है, लसिका में स्थित होता है जिसमें रेटिकुलर तंतुओं का एक घना जाल सा बिछा होता है और इन तंतुओं के बीच बीच में एंडोथेलियल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लसिका में कौन सी टिश्यू होती है या लसिका जो है किस टिश्यू की बनी होती है, तो रेटिकुलर टिश्यू की बनी होती है। तो आई होप कि इन इरेगुलर पिगमेंटेड एडिपोज रेटिकुलर चारों के बारे में आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी के तंतु में संयोजीवित यानी फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत व्हाइट फाइबर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।